सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए हाईपिक्सल स्काई ब्लॉक का सबसे आसान मनी अर्निंग का तरीका ला रखा हूँ। सो गाइस, आप वीडियो को फुल वॉच करना। सो गाइस, पहली ट्रिक गाइस मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, पहली ट्रिक बहुत आसान है गाइस। बस आपको एक पम्पकिन का फार्म बनाना है और गाइस एक पम्पकिन आपका 4 रुपीज़ का बिकता है। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि गाइस ये पम्पकिन का फार्म गाइस मुझे टोटल हार्वेस्ट करने में सारे पम्पकिन को टोटल 5 से 10 मिनट लगे होंगे। और गाइस आप अभी मेरी पूरी वो देखना कि मुझे कितना पैसा मिलता है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक रो से पूरा 2 स्टैक कमा लेता हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ पे आप मेरे मैंने 5-6 रो बना रखी है। सो गाइस, अभी मेरे पे लगभग 12-13 स्टैक्स तो हो ही गए होंगे पम्पकिन। सो गाइस, अभी बचे हुए पम्पकिन को कलेक्ट कर देते हैं जो साइड में गिर गए थे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ढेर सारे पम्पकिन को कलेक्ट कर दिया। और गाइस, अभी आप साइड में देख सकते हैं मेरे पे सिर्फ 200 गोल्ड है। और गाइस, अभी आप देखना कि जब मैं ये सारे पम्पकिन को सेल करूँगा तब मेरे पास कितना ज़्यादा गोल्ड होता है। सो गाइस, अभी बस ये लास्ट रो बची है, इसके बाद गाइस जल्दी से चेक करते हैं कि हमने कितना वो बना रखा है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैंने सारा एरिया क्लियर कर दिया। वो साइड में जो भी एरिया है वहाँ पे दोबारा से पम्पकिन ग्रो गए। सो गाइस, मैंने टोटल 15 स्टैक्स कलेक्ट कर दिए पम्पकिन। सो गाइस, अभी जल्दी से काम करते हैं, स्टोर में चलते हैं इनको सेल करने। सो गाइस, मैं बाजार आ चुका हूँ, उसके बाद गाइस यहाँ पे सेल करते हैं। सो गाइस, मेरे पे 1016 पम्पकिन है। सो गाइस, इसको मैंने 4600 में बेचा गाइस। सिर्फ मैंने 10 मिनट्स में 4000 रुपये कमा दिए। और गाइस, अभी साइड में आप देख सकते हैं मेरे पे 6000 रुपीज़ है। और गाइज, अभी गाइज सेकंड वे गाइज सबसे आसान है। सो गाइज, ये जो सामने मीनियन है गाइज, ये मेरा रेडस्टोन वाला मीनियन है। और गाइज, ये लैपिस मीनियन है। और गाइज, ये भी रेडस्टोन मीनियन है। सो गाइज, मैंने इनके अंदर कॉम्पैक्टर और डायमंड स्प्रेडिंग लगा रखी है जिनसे ये मुझे डायमंड भी देते हैं। सो गाइज, ये डायमंड मीनियन से ज़्यादा स्पीड में हमें डायमंड देते हैं। सो गाइज, आप अपने जो भी डायमंड मीनियन है उन सबको रिमूव करके गाइज ये लैपिस वाले मीनियन के अंदर आप डायमंड स्प्रेडिंग लगा दो। गाइज, इसको लगाना बहुत आसान होता है, बस आपको एक एंचेंटेड डायमंड चाहिए। और गाइज, साइड में वो लीव्स चाहिए गाइज, वो ग्रीन कलर की कुछ आती है गाइज। और गाइज, आप यहाँ पे जो वुड वाले मीनियंस होते हैं उनसे भी पैसा कमा सकते हैं। आपने देख लिया होगा मेरे पे टोटल 3 स्टैक एंचेंटेड ओक लॉग है। और गाइस, एक ओक लॉग 320 की बिकती है गाइस। आप सोच सकते हैं मैं कितना अर्न करता हूँ। यहाँ पर मैंने तीनों लैपिस और दो रेडस्टोन वाले मीनियन से सब कुछ कलेक्ट करके गाइस इन सबको सेल करता हूँ। उसके बाद गाइस चेक करेंगे कि मुझे गोल्ड कितना मिला है। सो गाइस, मैंने डायमंड ब्लॉक बेच दिया। और गाइस, अभी बचे हुए लैपिस ब्लॉक उन सबको भी बेच देते हैं। सो गाइस, यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट बची है, इसको भी बेच देते हैं गाइस। सो गाइस, 5 ही रेडस्टोन डस्ट है गाइस, क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक थे। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पे 14000 गोल्ड है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर से 8000 गोल्ड कमा लिया। और गाइस, अभी आप मेरे बैंक में भी देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर भी मेरे पे 1 लाख के आसपास ही होगा। सो गाइस, बैंक में मेरे पे 81000 गोल्ड है। और गाइस, मैं कितना सारा गोल्ड वेस्ट भी करते रहता हूँ गाइस, मैं अपने पम्पकिन फार्म को भी अपग्रेड करते रहता हूँ, मतलब उसमें डर्ट वर्ट लानी होती है गाइस बीच बीच में, मैं उसको भी एक्सपेंड करते रहता हूँ। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं गाइस, ये पम्पकिन का फार्म मेरा बहुत बड़ा है। और गाइस, इसमें पम्पकिन ग्रो करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो गाइस, अगर आप एक दिन में 2 बार भी पम्पकिन तोड़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। सो गाइस, मैं सर्वाइवल सीरीज भी बनाता हूँ गाइस क्राफ्टर MC वाले स्काई ब्लॉक सर्वर की। सो गाइस, आप भी मेरी सर्वाइवल सीरीज देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।